पे आम में अगर कह लें कि हराम मगज, एक तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये भी ज़रा बताइएगा कि ये हराम मगज़ है क्या, क्योंकि लोग अक्सर जो है वो पहचानने में गलती कर देते हैं कि वो समझते हैं कि जो वर्टिब्रल कॉलम है ये हराम मगज़ है। देखिए, हराम मगज़ जो है वो एक कंटिन्यूशन है आपके दिमाग के पिछले हिस्से की, ठीक है, वो ही नीचे कंटिन्यू होता है और वो जो वर्टिब्रल कॉलम है जो कि बोन से बना होता है उसके अंदर ट्रैवल करता है। हराम मगज़ जो है वो वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। जो हराम मगज़ है ये एक आप समझें कि नसों का पूरा एक नेटवर्क है जो कि ब्रीन से और आपकी नीचे बाकी बॉडी को। अस्सलाम वालेकुम, चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास जी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी जिंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजूआत का इंतखाब किया है वो है हेड इंजरीज और स्पाइनल इंजरीज, और इन दोनों मौजूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर मोहम्मद राफे, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची। तो आइए दोस्तों इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हेड इंजरीज और स्पाइनल इंजरीज, एक आम फहम शख्स कैसे समझ सकता है कि हेड इंजरीज और स्पाइनल इंजरीज हैं क्या और ये किस तरह से हो जाती है? भाई, हेड इंजरीज अगर मैं इसमें आम जबान में समझाऊँ तो सर पे चोट लगने को कहते हैं, और सर पे चोट लगना मकसद भाई वो कोई भी हो सकती है, हड्डी पे भी लग सकती है, अंदर दिमाग पे भी चोट लग सकती है, इन चीज़ों की वजह से ये होती है। अच्छा, कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी फोर्स जो कि दिमाग का फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर उसको डिस्टर्ब करे ना, वो हेड इंजरी कहलाती है। इसी तरह स्पाइन के लिए कोई भी ऐसी एक्सटर्नल फोर्स जो स्पाइन की अलाइनमेंट, बोनी अलाइनमेंट या स्पाइनल कॉर्ड उसका फंक्शन और स्ट्रक्चर उसको खराब करे तो वो स्पाइन इंजरीज जो है ना कहलाती है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी तशखीस के हवाले से यानी डायग्नोस के हवाले से अगर बात की जाए तो हम किन किन चीज़ों से मदद लेते हैं? देखिए, इसके लिए हेड इंजरीज के लिए तो ज़्यादातर सीटी स्कैन जो है वो काम आता है कि आपको सीटी स्कैन में जो एक्यूट चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अच्छी पिक होती हैं, बोनी स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छे पिक होते हैं। जो हेड इंजरीज की वजह से अगर कोई हेमाटोमा हो, कोई कंट्यूजन हो, चोट लगी हो, अंदर ज़ख्म हो, ब्लीड हुआ हो, ये सारी चीज़ें सीटी स्कैन में अच्छी पिक होती हैं, जल्दी पिक होती हैं। और स्पाइन इंजरी के हवाले से अगर आपको स्पाइन जो वर्टिब्रा है, जो बोन्स हैं, उनकी अलाइनमेंट देखनी है कि उसमें फ्रैक्चर नहीं है, उसमें कोई चीज़ है, तो सीटी स्कैन काम आता है। अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड, नसें अंदर वो डैमेज हैं, उनमें उनके क्या हालात हैं, ये चीज़ें, सॉफ्ट टिश्यू, ये देखना है, तो उसके लिए MRI की जरूरत पड़ती है। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे वैसे कि सीटी स्कैन और MRI में बुनियादी फर्क क्या है? देखिए, सीटी स्कैन जो है ना वो बोनी स्ट्रक्चर के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, MRI सॉफ्ट टिश्यू के लिए यूज़ होता है। सीटी स्कैन में आप बोन और उसके जो है ना जो बोनी स्ट्रक्चर जितने हैं वो बहुत आसानी से देख सकते हैं, जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनके लिए MRI यूज होता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, दिमाग की चोट के हवाले से अगर बात की जाए तो नॉर्मली हम देखते हैं कि ट्रॉमा में इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो एक तो इसकी बुनियादी वजह क्या है और दूसरा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जो लोग हेलमेट नहीं पहनते उनको हेड इंजरी होने के कितने परसेंट चांसेस? सही। अच्छा देखें, जो बुनियादी वजह है सर की चोट के वो तो सबसे पहले उसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आते हैं, दूसरे नंबर पे फॉल आ गया कि गिर गए कहीं से, सीढ़ी से गिर गए कहीं और जगह से, तीसरे नंबर पे असॉल्ट, भाई किसी ने सर पे मार दिया, कुछ हो गया, ठीक है। ये तीन बड़ी और बुनियादी वजूहत हैं हेड इंजरी की, इसी तरह स्पाइन इंजरी के लिए भी यही है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में एक 2022 का सर्वे है जिसमें एक साल में 8 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हेड इंजरी के, ठीक है, जिसमें से तकरीबन 70,000 से 80,000 लोगों को सीवियर हेड इंजरी थी, ठीक है, और उनमें 20% लोगों में स्पाइन इंजरी भी साथ में थी। और अगर उनको हमने फर्दर उसमें देखा तो तकरीबन 70 से 75% लोगों ने हेलमेट जो है वो नहीं पहना था,
और कोई हेड प्रोटेक्शन नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी इंजरीज भी सीवियर थी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर जैसे मिसाल के तौर पे हम स्पाइनल इंजरीज की बात करें, तो नॉर्मली ऐसे केसेस भी देखे जाते हैं कि जिसमें उर्फ आम में अगर कह लें कि हराम मगज़, एक तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये भी ज़रा बताइएगा कि ये हराम मगज़ है क्या, क्योंकि लोग अक्सर जो है वो पहचानने में गलती कर देते हैं, कि वो समझते हैं कि जो वर्टिब्रल कॉलम है ये हराम मगज़ है। एक तो इस हवाले से आप क्लियर कर दीजिएगा, और दूसरा ये है कि सर वो अगर दब जाता है या अगर किसी एक जगह से, यानी वर्टिब्रल कॉलम जो है आपका वही अगर कट जाता है, तो क्या ऐसी सूरत में भी मतलब सर्जरी के दूरस्थ नतायज होंगे? देखिए, हराम मगज़ जो है वो एक कंटिन्यूशन है आपके दिमाग के पिछले हिस्से की, ठीक है, वो ही नीचे कंटिन्यू होता है और वो जो वर्टिब्रल कॉलम है जो कि बोन से बना होता है उसके अंदर ट्रेवल करता है। हराम मगज़ जो है वो वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। जो हराम मगज़ है ये एक आप समझें कि नसों का पूरा एक नेटवर्क है जो कि ब्रेन से और आपकी नीचे बाकी बॉडी को कनेक्ट करता है। इसमें नसें होती हैं, रूट्स होती हैं, ट्रैक्स होते हैं अलग अलग किस्म के, तो ये जो उसकी चीज है। अच्छा, दूसरा, अगर हराम मगज पे दबाव है, अब वो डिपेंड करता है कि दबाव कितना ज्यादा है, कितने अरसे से है, मरीज को उसकी वजह से क्या है सिम्टम, पूरी पैरालिसिस है या थोड़ी बहुत मूवमेंट है, कंप्लीट इंजरी है, इनकम्प्लीट इंजरी है, उस पर डिपेंड करता है। मगर अमूमन अगर कहा जाए, आम अल्फाज में समझाया जाए, तो दबाव की वजह से सर्जरी जो करते हैं उसमें अमूमन फायदा होता है। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जैसे गन शॉट इंजरीज हैं कुछ है, जिसमें भाई आपके स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से जो है कट गई है या बिल्कुल ऊपर नीचे से कनेक्शन खत्म हो गया है, तो उसमें जो है रिकवरी का फायदा नहीं होता। अगर उसमें सर्जरी करते हैं तो सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए, जो स्पाइनल आपके वर्टिब्रल कॉलम है उसकी अलाइनमेंट के लिए, कि वो स्टेबल हो जाए, तो मरीज को आगे रिहेबिलिटेशन में बहुत आसानी होती है, फिजियोथेरेपी में आसानी होती है, आप उसको बिठा सकते हैं, उसको खड़ा कर सकते हैं, तो ये उसमें सिर्फ मकसद होता है सर्जरी। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ इट जो है वो जैसे लॉर्डोसिस के या स्कोलियोसिस के पेशेंट्स होते हैं, या इसी तरह से जो मज़ीद टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, तो ऐसे पेशेंट्स की जब सर्जरी की जाती है तो उसमें सक्सेस रेट क्या है? देखिए, स्कोलियोसिस या कारपोसिस, इनकी जो सर्जरीज होती है ना, इनमें दो बड़ी चीजें आपको सामने रखनी होती हैं। एक तो ये इसमें बार बार करेक्शन की जरूरत पड़ सकती है, दूसरी पेशेंट कोऑपरेशन बहुत चाहिए होता है, ठीक है। अब अगर मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल टाइम्स हो सकती हैं और पेशेंट कोऑपरेशन बहुत ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। अगर पेशेंट, अब वही बात आ जाती है कि स्कोलियोसिस इतना सिवियर है कि जो है ना उसमें मरीज का कोई वीकनेस आ रही है, कोई और मसले मसाइल हो रहे हैं, ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, सीधा नहीं लेट सकते, ये सारी चीजें, तो जो है ना सर्जरी डिफिकल्ट भी होगी, मल्टीपल टाइम भी होगी, रिजल्ट्स भी लिमिटेड होंगे, मगर अगर इनिशियल हैं तो फिर जो है ना अच्छे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि नॉर्मली हम देखते हैं, जैसे कि लोग भी बताते हैं कि जी खून जो है वो दिमाग में जम गया है किसी जगह पे जाके, एक तो ये कि सर ये बताइए कि पॉसिबिलिटीज क्या है कि कौन कौन से हिस्सों में खून जम सकता है या जमता है, और दूसरा ये कि सर्जिकल हवाले से अगर देखा जाए, यानी सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें सक्सेस रेट उसका कितना है? देखें, जब सर पे चोट लगती है तो उसकी वजह से अगर ब्लीडिंग अंदर होती है, कोई वेसल रप्चर होती है, कोई बोन में फ्रैक्चर होता है, वहां से ब्लड आता है, तो वो दो तीन जगहों पे उसके ब्लड जो है वो हो सकता है। एक तो या तो वो हड्डी के ऊपर हो, जी ठीक जी है, या फिर हड्डी के नीचे हो और ब्रेन की कवरिंग जिसको ड्यूरा मैटर कहते हैं उसके ऊपर हो, उसको एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपिड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं। और अगर थोड़ी शदीद चोट होती है तो वो ब्रेन की कवरिंग के नीचे भी ब्लीडिंग हो जाती है, उसको सबड्यूरल हिमाटोमा कहते हैं। और या फिर छोटी वेसल जो इंजर्ड हो वो जो है अपने जो ब्रेन की एक और लेयर होती है एरेकोनाइट, उसके नीचे ब्लड स्पिल करें, वहाँ ब्लीडिंग हो, वहाँ ब्लड जमा हो, तो उसको सब एरेकोनाइट कहते हैं। जो इन सब में सबसे अच्छी जिसकी आउटकम है वो अमूमी तौर पर एक्सट्राड्यूरल हिमाटोमा का होता है, कि उसको जो है आप अगर सर्जरी से फौरन निकाल दें तो वो पेशेंट बिल्कुल सही हो जाता है, अगर कोई और मसले मसाइल ना हो। बाकी चीजें भी देखते हैं, होश का दर्जा कितना है, कोई और जीसीएस इंजरीज लेवल तो कितना नहीं, है? जीसीएस लेवल,
अमूमन जो सब ड्यूरल हेमाटोमा होता है ये इसके लिए फोर्स क्योंकि ज्यादा चाहिए होती है, तो इस वजह से इसके साथ बाकी चीजें भी होती हैं, कंट्यूशन भी होती हैं, सब रेटिनॉइड हेमरेज भी होता है, तो इसमें मॉर्बिडिटी भी बढ़ जाती है और मोर्टेलिटी भी जो है बढ़ जाती है। मगर अगर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि अगर वॉल्यूम एक खास लिमिट से ज्यादा होता है, दिमाग पे दबाव डाल रहा होता है, मरीज को बेहोश कर रहा होता है, झटके पड़ रहे होते हैं या कोई और मसला, तो उसको फिर सर्जरी के जरिए निकाला जाता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक नॉर्मली तो खैर नहीं नज़र आता, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसका रेशो कम हो। अमूमी तौर पर सर एक खास सर्जरी की जिसमें मतलब नॉर्मली हम लोगों ने भी देखा है, मतलब मैंने बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट बहुत देखा है कि दिमाग की हड्डी निकाल के एक पेट में रख दी जाती है। एक तो सर ये होता क्यों है, इस प्रोसीजर का नाम क्या है, और ये जो दोबारा उठा के दोबारा फिटिंग की जाती है इसके पीछे क्या मसलहत है? देखें, दिमाग पे जब चोट लगती है, अगर उसमें अंदर किसी भी आपके किसी हिस्से पे जिस्म की चोट लगे, हाथ पे चोट लगे, तो सूजन आना शुरू हो जाती है। दिमाग का भी यही है कि अगर उस पर चोट लगती है तो वहां सूजन आना शुरू होती है। मगर क्योंकि दिमाग पूरे एक हड्डी के गोल स्पेयर में बंद है, वॉल्ट में बंद है, तो उसको जगह नहीं मिलती फैलने के लिए। अब जगह नहीं मिलती तो वो अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है। अगर प्रेशर बढ़ता है तो मरीज की जिंदगी के चांसेस कम होते हैं, जिंदगी के मसले मसाइल स्टार्ट होते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए वो दिमाग की जो हड्डी है, जिस तरफ सूजन है, जिस तरफ दबाव है, वो हड्डी निकाल के और पेट में रख देते हैं और झिल्ली जो है दिमाग की वो खोल देते हैं ताकि उसे जगह मिले, स्पेस मिले कि वो फैल सके। जब मरीज बेहतर हो जाता है कुछ अर्से बाद, दिमाग की सूजन सेटल हो जाती है, सारी चीजें सही हो जाती हैं, तो वो हड्डी वापस रख देते हैं। अच्छा, हड्डी वापस रखने में एक तो ये है कि भाई आप अगर वापस नहीं रखते, इतना बड़ा डिफेक्ट होता है, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। दूसरा ये कि मजीद चांसेस होते हैं कि भाई इधर कोई चोट लग जाए, कोई ट्रामा हो जाए, क्योंकि वैसे तो बोन होती है, हल्के फुल्के चोटें तो वैसे वो रोक लेती है, मगर डायरेक्ट अगर ब्रेन पे छोट हल्का सा भी हो तो वो काफी खतरनाक हो सकता है। दूसरा ये कि क्योंकि अंदर का प्रेशर और बाहर के प्रेशर में डिफरेंस होता है, तो वो वापस प्रेशर इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो ब्रेन का फंक्शन उससे ना बेहतर होने के चांसेस होते हैं। ठीक। अच्छा सर, नॉर्मली इस हड्डी का साइज कितना होता है, अगर आप हमें बता सके? नॉर्मली 12x12 सेंटीमीटर की एक बड़ी करिनोटमी करते हैं, जिससे जो है एक दिमाग का बड़ा हिस्सा उसको जगह मिल जाए ताकि वो सूजन को ओवरकम कर सके। ठीक। और सर दूसरी बात ये भी पूछना चाहूंगा कि नॉर्मली अगर देखा जाए मर्दों ख़वातीन के हवाले से, तो कौन इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं, हेड इंजरीज या सर्वाइकल इंजरीज से? ज़्यादातर जो सर्वे हैं उसमें जो मर्द हजरात हैं उन्हीं का ज़्यादा है कि भाई उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं हेड इंजरीज के, खासतौर पर पाकिस्तान में, क्योंकि देखें बाइक जितने भी चलाते हैं ज़्यादातर मर्द हजरात चलाते हैं। हेलमेट अगर इस्तेमाल, जो कि हमारी एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन हेलमेट के बगैर चलती है, बिल्कुल वो इस्तेमाल नहीं करते तो उनमें चांसेस जो है ना ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। क्योंकि खासतौर पर सर ये भी देखा गया है कि जो ऐसे इलाके के जहाँ पर या ऐसी गुजरगाहें या ऐसे रोड्स के जहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है, या फिर जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर हैं कि जहाँ पर जो है वो 100-120 से कांटा नीचे ही नहीं आता, अब ऐसी जगह पर जो है मतलब अगर कराची की बात की जाए तो शारा फैसल, लाहौर की अगर बात की जाए तो फिरोजपुर रोड, तो यहाँ बहुत रफ ट्रैफिक होता है स्पीड के हवाले से। लेकिन मैं खुद भी बहुत हैरान होता हूँ सर कि जिस वक्त हम वहाँ पर किसी को हेलमेट पहने हुए नहीं देखते या कम रेशियो में देखते, तो ऑब्वियसली वही आप वाली बात कि इससे जो इंजरीज के या चोट लगने के या इवन मर जाने के ऑन द स्पॉट भी कई लोगों के साथ ऐसा हो गया कि ट्रक के नीचे आ गए, खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई इशू हो गया, तो उसकी वजह से बड़े मसले मसाइल होते हैं, या बजा फरमाए। अच्छा, दूसरा ये कि एक आजकल थोड़ा सा एक ट्रेंड निकला है, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए से बता दूं कि जो खवातीन हैं अब वो भी हेलमेट इस्तेमाल करना शुरू कर रही हैं, जो कि अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। जी जी। पीछे भी बैठी हुई हो बेशक, मगर बाइक पे तो बैठी हैं, बिल्कुल हेलमेट बिल्कुल इस्तेमाल करें। तो मैंने कुछ देखे हैं, 2 या 3 इस तरह से खवातीन को देखा है कि अब वो इस्तेमाल करना शुरू कर रही है, इवन के वो पीछे बैठी भी होती है। जी जी। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये हमें इंकरेज करनी चाहिए, और सबको जो भी हमारे पास मरीज आते हैं हम उनको यही कहते हैं कि अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आपने हेलमेट लाजमी पहनना है, चाहे आप आगे बैठे हो या पीछे बैठे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पैगाम है सर। अच्छा
अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि नॉर्मली आजकल जो कि आप देख रहे होंगे कि कुछ गेम्स इस तरह की हैं, मोबाइल गेम्स खास तौर पर, कि जिसमें बहुत ज्यादा देर एक ही पोस्चर में क्या बच्चे क्या बड़े क्या बुजुर्ग बैठकर उस पर घंटों जाया कर रहे हैं, तो सर आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह से उनका जो पोस्चर है उसको कितना नुकसान पहुंच सकता है? देखें, बिल्कुल नुकसान पहुंच सकता है। ये अल्लाह ताला ने जो हमारी बॉडी बनाई है वो एक जगह फिक्स होके बैठने के लिए नहीं बनाई, ठीक है। एक किसी खास पोस्चर में, खास तौर पे झुके हुए इस तरह से गर्दन नीचे रखने और ये ऐसे पोस्चर में नहीं बनाई, ठीक है। तो ये इससे स्पाइनल जो इश्यूज हैं, जिसको आप कहते हैं कि भाई गर्दन में नस दब रही है या अरकुन निसा हो रहा है, कमर के निचले हिस्से में दर्द है, टांगों में जा रहा है, ये इश्यूज ज्यादा होते हैं। और देखा ये गया है कि वो लोग जिनकी खास तौर पे डेस्क जॉब होती है, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, जिनके 12 घंटे उनकी जॉब के टाइम है, बैंकर्स हैं, आईटी पर्सनल हैं, जो यंग जनरेशन आजकल इतने पूरे पूरे दिन जो है कंप्यूटर पे मोबाइल पे इस पे लगी रहती है, इवन यंग लोगों में भी अब ये चीजें होनी शुरू हो गई हैं, तो उनमें ये ज्यादा है उन, और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ये चीजों को मजीद खराब करता है। तो एडवाइस हमारी यही है इन लोगों के लिए कि भाई आप अपने पोस्चर का ख्याल रखें, एक ही पोस्चर में मुसलसल ना बैठे रहें। अगर आपकी जॉब ऐसी है, टीचर हैं आप जो है, बैंकर हैं, तो हर थोड़ी देर में उठें, एक राउंड लगाएं, पोस्चर मेंटेन करें, एक फिजियो आप सीखें और थोड़ी बीच में फिजियो कर लिया करें, ये चीजें काफी जो है ना हेल्प करेंगी इससे बचने के लिए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत ही खास सवाल जो कि हमारे जो नाज़रीन हैं उनकी तरफ से भी आ रहा था, सर स्पाइनल इंजरीज के हवाले से अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ इट सर ऐसा भी होता है कि एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, कोई लड़ाई भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो है वो मल्टीपल लेवल पर जो है नर्व कंप्रेशन की शिकायत बहुत ज्यादा आ रही है, तो सर इसकी बुनियादी वजह क्या है और इसका हल क्या है? देखें, एक बुनियादी वजह भी हमने डिस्कस करी, पोस्चर, ठीक है। वो लोग जिन मुसलसल झुक के बैठे रहते हैं, सालों साल से ऐसे काम कर रहे हैं, उसकी वजह से। दूसरा डीजनरेटिव, भाई वक्त के साथ, उम्र के साथ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ख़राब होती हैं, उनके जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ बड़े हो जाते हैं, दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है, नसों पे दबाव आता है, और जो प्रेशर है उस पर स्पाइनल कॉर्ड पे वो अनइवन होता है, जिसकी वजह से डिस्क निकल आती है, वो उसको नसों को दबाती है। तो ये सारी वजूहत हैं, मेन बेसिक वजूहत ज़्यादातर यही होती हैं। और सर अगर मल्टीपल लेवल पर हो जाए तो उसका क्या नुकसान? देखिए, अगर मल्टीपल लेवल पे हो जाए तो फिर आपको अपना सबसे पहले रिहेबिलिटेशन की तरफ जाना होगा, फिजियोथेरेपी कर जाए, रिहेबिलिटेशन की तरफ जाए। अगर खुदा ना खासा कोई बड़ा मसला नहीं है, सर्जरी वाली चीज़ नहीं है, तो 80% से ज्यादा लोगों में ये दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से बिल्कुल ठीक हो सकता है ये। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में मैं चाहूँगा कि आप एक ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें। देखें, हमारा टेक होम मैसेज तो यही होगा कि आप जब भी गाड़ी चलाएं तो एक लिमिटेड स्पीड के अंदर चलाएं, जो कि हर जगह की अलग स्पीड होती है उस हिसाब से। दूसरा, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो एहतियात से अपनी लाइन में चलाएं और हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये हेड इंजरीज, स्पाइन इंजरीज जो है ये जानलेवा भी होती हैं, और अगर जानलेवा नहीं होती तो खुदा ना खास्ता जिंदगी भर की मोहताजी दे सकती है। तो अपना ख्याल रखें और इस बात का जो है ना बिल्कुल आप ख्याल करें। ठीक। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर इंतहाई मशहूर, इंतहाई ममनून कि आपने वक्त दिया। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर काइंडनेस एंड सपोर्ट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाजरीन, ये थे डॉक्टर मोहम्मद राफे, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। इस खूबसूरत बात के साथ कि खुश रहिए और अपनी खुशियों में दूसरों को ज़रूर याद रखिए, बिलखसूस अपने मुखलिस दोस्तों को, क्योंकि मुखलिस दोस्त नसीब वालों को मिलते हैं। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।